हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफली स्टडी। तो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस हवलदार का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कई सारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैं भी दुखी हूं, क्योंकि कई सारे दोस्त हमारे एमटीएस टीए 2 की तैयारी कर रहे थे। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना भी सीखा है वो बेकार नहीं जाएगा, वो आपके आने वाले दिनों में काम आएगा, आपके फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए अब जो है ये ऐसे को काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में समझना होगा, इसको इम्पोर्टेंस देना होगा। कारण है कि लेटर फॉर्मेट में होता है, उसको लिख पाना बहुत इजी है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देकर लिखना पड़ेगा। पहले तो समझना पड़ेगा इसके बारे में, सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लिख पाएंगे कहीं। तो चलिए एक बार फिर से आज शुरू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है इंडियन फार्मर्स, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया हूँ पहले भी कि ऐसे लिखने के लिए तीन तरीके से हम लोग, यानी तीन भागों में उसको बांटते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट मेन बॉडी, और थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो आप ये पूरा देख पाएंगे ऐसे किस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ, कैसे लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, most of the villages do farming, India exports various agriculture products and gain a large sum of foreign currency, it's all because of the hard work of the farmers। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, खेती ही होती है। और पता है आपको कि 55% जो एम्प्लॉयमेंट है वो खेती से ही आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही रोल है एम्प्लॉयमेंट में, तो ये बहुत बड़ी बात है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, फार्मर्स का। ठीक है, हमें जो फॉरेन करेंसी मिलती है उसमें भी ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि खेती से जुड़े होते हैं और किसानों का ही उसमें योगदान है। हमने इंट्रोडक्शन में तो बता दिया किसानों के बारे में, अब आते हैं यानी किसानों का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। मेन बॉडी पार्ट में अब उनसे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ द फार्मर्स हु वर्क हार्ड इन एवरी सीजन, वी ओ ए लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू फार्मर्स, दे टोइल इन बर्निंग सनलाइट टू प्रोवाइड अस विथ आवर डेली मील, द फार्मर्स प्लो दियर फील्ड एंड सो सीड्स, दे एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, दे प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट्स विथ वेरियस मैथड ऑफ इरीगेशन, दे नो द फेवरेबल सीजन फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, दे नो द फेवरेबल सीजन ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स, एनिमल्स एंड ट्रेसपासर्स, फार्मर्स लिव ए वेरी हार्ड लाइफ, दे राइज अर्ली एंड वर्क अंटिल इवनिंग, इन समर दे बियर द स्कॉर्चिंग सन, फाइनली द क्रॉप आर रेडी फॉर रिपिंग। उसके बाद देखिए, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, द वेजिटेबल्स सीरियल्स एंड पल्सिस रीच आवर हाउसेस आफ्टर द एंडलेस ट्रेवल ऑफ द फार्मर्स। तो यानी कि मेन बॉडी पार्ट में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें फार्मर से जुड़ी हुई बता दी। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कि हम लोग समझ लेते हैं। आपको भी पता है, अगर आपने गांव देखा होगा, आप गांव गए होंगे, गांव में आपका जन्म हुआ होगा, आप वहां रहे होंगे, तो आपने भी किसानों का दर्द और व्यथा देखा होगा। किसान जो है, आप भी जानते हैं, खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो भी खाना आता है वो कहाँ से आता है, किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही ये आ पाता है। और उसके अलावे किसान को हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग का धन्यवाद देना चाहिए, हम लोग उनके कृतज्ञ होते हैं। दे टोल द बर्निंग सनलाइट टू प्रोवाइड अस डेली फूड, यानी हमारी भोजन के लिए वो दिन रात जो है परिश्रम करते रहते हैं, सूर्य की चलचलाती धूप में
वो पीड़ित अपने आप को दुख देते रहते हैं, लेकिन वो उनका दुख हमारे लिए सुख बन जाता है। द फार्मर प्लो देयर फील्ड्स एंड सो सीड्स, अपने खेतों में वो तरह तरह के बीज बोते हैं और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़े, यानी कि क्वालिटी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, इसीलिए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है हेल्दी ग्रोथ के लिए क्रॉप का। और उसके अलावा भी वो कई सारे प्लांट्स को वाटर भी देते हैं, वेरियस मेथड। आपने भी देखा होगा, गांव में जाते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे तरीके होते हैं। जब हम लोग गांव में थे और जब हम लोग देखते थे किसानों को, तो वो क्या करते थे कि टीन का बॉक्स जैसा होता था और उसको कुएं से वो बांध के रखते थे, उसमें से पानी निकाल निकाल कर वो पौधों को देते थे। तो बहुत सारे कष्ट भरे उनके जीवन होते हैं। उसके अलावा और क्या है इसमें खास बात, तो उनको जानकारी होती है फेवरेबल सीजन की, कौन से सीजन में किस क्रॉप को रोपने से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है, ये उनको जानकारी होती है। उसके अलावा ये बहुत ही कष्ट के समर, जो गर्मी की दिन होती है उसमें भी ये काम करते रहते हैं, फसलों को तैयार करते हैं। ठीक है, जब फसल काटने की टाइम होती है तो उस समय भी इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है और तब जाकर हमारे घर में तरह तरह की चीज़ें पहुंच पाती है। तो ये किसानों का संघर्ष था। अब हम लोग कंक्लूजन पार्ट में आएंगे। कंक्लूजन पार्ट कैसे लिख सकते हैं, तो बॉडी पार्ट के एक लाइन का स्पेस देने के बाद हम लोग को कंक्लूजन स्टार्ट करना होगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री इज पैथेटिक, आवर गवर्नमेंट एंड सोसाइटी नीड टू थिंक अबाउट देम, दे नीड टू हेल्प फाइनेंशियली, फार्मर फील आवर स्टोमच बट समटाइम इट हैपन्स वेन देम सेल्फ गो टू स्लीप एम्प्टी स्टोमक, द फार्मर शुड बी कंपेंसेटेड फॉर द लॉस कॉज्ड बाई नेचर एंड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वी शुड रेस्पेक्ट द फार्मर्स। एंड फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट, जय जवान जय किसान। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कंक्लूजन पार्ट में क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो लिखा गया है बात की, किसानों की स्थिति जो है दयनीय है। अगर आप भी देखना चाहते हैं किसानों का दर्द और तकलीफ़, तो एक बार आप किसी गांव में जाकर देखिए, वहाँ पर किसानों की स्थिति जो है बाकी लोगों से काफ़ी ख़राब है। अगर आप किसी शहर में काम कर रहे हैं तो आपको उतना कष्ट नहीं होगा जितना किसान को है। किसान को तो चारों तरफ से, अगर वो 2 रुपये का फसल लगाता है तो कभी कभार उसको ऐसा होता है कि 1 रुपये ही प्राप्त होगा या फिर 1.5 रुपये, यानी कि उसको आधा पैसे का नुकसान ही हो जाता है। लाभ तो कभी कभार अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो जाकर 2 का सामान उसको 3 में बिकता है, अदरवाइज उसको अधिकतर टाइम लॉस ही झेलना पड़ता है। और इसमें जो बिचौलिए होते हैं वो लोग और ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो कि गवर्नमेंट को समझनी होगी, सोसाइटी को समझनी होगी। और उसके अलावा हमें किसानों को क्या करना चाहिए, कंपेंसेट देना चाहिए जब उनका नुकसान हो जाता है नेचुरल कॉज के कारण, और फाइनेंशियल हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमेशा इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं जय जवान जय किसान। इसी नारे के साथ दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।